फैसलाबाद में कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम ने कार्रवाई करके लाखों रुपए का भारतीय कपड़ा पकड़ लिया है। कैसर अरफात से जानते हैं, कैसर बताइएगा कार्रवाई कहाँ की गई और मुलजिम भी पकड़े गए हैं क्या? जी बिल्कुल, कस्टम ने कार्रवाई करके लाखों रुपए मालियत का कपड़ा पकड़ा है फैसलाबाद, जबकि जो कपड़े का मालकान है उनका अभी तक पता नहीं चल रहा। भारतीय कपड़ा कचहरी बाजार के गोदाम से लोड करके ले जाया जा रहा था और ड्राइवर के मुताबिक ये कपड़ा जो है इसको उन्होंने झुमरा रोड पर ZM टेक्सटाइल पहुंचाना था और कस्टम इंटेलिजेंस ने कार्रवाई करते हुए कपड़े के 32 बैग और ये मिनी ट्रक जो था इसको हिरासत में ले लिया है। लेकिन अभी तक वो ड्राइवर और लोडर जो है वो तो इनकी हिरासत में है कस्टम इंटेलिजेंस की, लेकिन कपड़े के जो असल मालकान है उनका पता नहीं चल रहा। वाजे रहे कि यहाँ पे फैसलाबाद में प्रोडक्शन कपड़े की बड़ी मिकदार में होती है, तो यहाँ पे जो फैक्ट्री मालकान है उन्होंने पिछले दिनों में अपने तहफात का भी इजहार किया था कि बड़ी तादाद में जो है भारतीय कपड़ा यहाँ पे स्मगल किया जाता है, जिसकी वजह से लोकल प्रोडक्शन है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उसके बाद कस्टम इंटेलिजेंस मुतहरक हुई है, उन्होंने कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है और मजीद भारतीय कपड़ा स्मगल होकर जो फैसलाबाद में लाया जाता है उसको मजीद उस पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी और इसकी ये गैर कानूनी जो स्मगलिंग है जिसमें कस्टम ड्यूटी नहीं पे की जाती और ना ही कोई टैक्स अदा किया जाता है, इसको खत्म करने के लिए यहाँ पे कस्टम इंटेलिजेंस मुतहरक दिखाई दे रही है। जी शुक्रिया कैसर अरफात।